हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, उसमें कई सारे फेनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। इनमें से आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना होता है जिससे कि रिलेटेड दो लॉज होते हैं, यह आपने पढ़ा भी होगा। आज हम लोग वही दोनों लॉज पढ़ेंगे, साथ में कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, है ना। दो लॉज आपने बहुत बार पढ़ा होगा और आप सबको याद भी रहता है, तो वो लॉज हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ में कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला लॉ होता है वो क्या होता है ना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो देख सकते हैं, ये लॉ है, कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर डायग्राम भी मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर जैसा कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है ना, ये जो है ये एक्चुअली में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जिस पर कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ पर ये रेड कलर से लाइट जो है दिखाया गया है, ये हो गया इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे इस तरह से आ रहा है। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये टकराएगा। इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये एक नॉर्मल है ना। नॉर्मल का मतलब हो गया हमने एक मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो जो लाइट इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रहा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या कहा गया लॉ में, कहा गया कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल है, ये तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये सेम प्लेन अभी जब फिगर देख रहे होंगे तो आपका चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, उसके स्क्रीन जो है, स्क्रीन का प्लेन जो है, उसी प्लेन में ये तीनों लाइन दिख रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, है ना, तीनों सेम प्लेन में है। ये जो प्लेन है जरूरी नहीं कि वर्टिकल हो, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजेंटल हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन तीनों जो है हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। और इसमें हम लोग एक नई चीज ये सीखेंगे, जैसे कोई इंसिडेंट रे है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम लोग एक वेक्टर ले लें, सपोज ये है वेक्टर आई जो कि इंसिडेंट रे के पैरेलल है, ठीक। उसी तरह से एक वेक्टर ले लेते हैं आर जो कि रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल है, और एक वेक्टर ले लेते हैं हम लोग एन जो कि नॉर्मल के पैरेलल है। तो ये तीन वेक्टर हैं, तीनों सेम प्लेन में हैं, यानी इनको हम लोग को प्लेनर कर सकते, ठीक। तो तीन वेक्टर अगर को प्लेनर हैं तो इनमें एक खास रिलेशन होता है, एक स्पेशल रिलेशन होता है ना। तो उस रिलेशन को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे चूंकि ये तीनों वेक्टर को प्लेनर हैं, तो इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर का पहले हम लोग क्रॉस रख लेंगे, जैसे आई क्रॉस एन, ठीक है। तो हमें पता है कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी उनके प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो यहाँ पर आई क्रॉस एन जो है वो आई और एन का जो प्लेन है, यानी जो स्क्रीन है आपका, है ना, आपके मोबाइल का या लैपटॉप का जो स्क्रीन है, उसके प्लेन में है आई और एन। तो आई क्रॉस एन जो है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना। तो ये कह सकते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, ठीक, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो तीसरा वेक्टर है आर वेक्टर उसके साथ में, ठीक। तो जैसा कि हमने कहा आई एन और आर तीनों कोप्लेनर हैं, यहाँ पर ये तीनों स्क्रीन के प्लेन में, ठीक है, यानी ये जो आर है वो भी स्क्रीन के प्लेन में है, लेकिन आई क्रॉस एन ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो गया है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया है,
और ये स्क्रीन के प्लेन में है, यानी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर, ये स्क्रीन के प्लेन में, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना। तो ये जो है ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर दो वेक्टर्स लिए आई और एन, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और तीसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाला, वो जीरो हो गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बाकी जो है केसेस के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे मैं दो वेक्टर, हो सकता है एन और आर ले लेता हूँ, एन और आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, है ना, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी परपेंडिकुलर टू स्क्रीन आएगा, ठीक है। अब तीसरा जो वेक्टर है यानी कि आई, इंसिडेंट रे के अलावा, ये स्क्रीन के प्लेन में है, तो ये स्क्रीन के प्लेन में है और ये जो वेक्टर है एन क्रॉस आर, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो गया, है ना, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर, ये स्क्रीन में, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। हमें पता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो यहाँ भी ये आई क्रॉस एन और आर परपेंडिकुलर थे इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ। यहाँ एन क्रॉस आर जो है और आई, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ। इसी तरह से हम लोग तीसरा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे आई क्रॉस आर, आई क्रॉस आर मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो लाइट रे है या वेक्टर है, और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में जो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर आएगा, और जो तीसरा वेक्टर है नॉर्मल पे लॉन्ग उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। तो ये एक नई चीज थी जो आज हमने सीखी है ना। तो तीन जो है कोप्लेनर वेक्टर के बीच में ये रिलेशन होता है, और चूंकि यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं इसलिए ये जो रिलेशन है वो वैलिड होता है, ठीक। अब आते हैं दूसरे लॉ पर। दूसरा लॉ क्या कहता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का जो एंगल है कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू आर, ये दूसरा रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट लॉ हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं, और दूसरा जो लॉ है वो ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब इसमें एक और खास बात हमें ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लॉज हैं ये केवल प्लेन सरफेस के लिए वैलिड नहीं है, कैसा भी सरफेस हो उसके लिए वैलिड है, चाहे कर्व सरफेस हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे पैराबोलिक सरफेस हो, सबके लिए वैलिड होता है ना। तो कहा जा सकता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ सरफेसेस, है ना, ऐसे सरफेसेस जो रिफ्लेक्ट करते हों, तो किसी भी तरह के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं उनके लिए ये वैल्यू होता है। जैसे हो सकता है कि ये जो सरफेस है ये कर्व सरफेस हो, है ना, कर्व सरफेस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगा
तो ऐसे लाइट आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा, जो नॉर्मल है सरफेस पर वो ये है ना, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। तो यहाँ वी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, क्योंकि लाइट जो इंसिडेंट होता है वो केवल एक पॉइंट पर इंसिडेंट होता है ना, और इसीलिए ये जो लॉ है वो हर जगह वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी जो हमें सीखनी थी, है ना।